उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों के लिए शुक्रवार से पुलिस भर्ती की पुनः परीक्षा शुरू होने जा रही है। इस परीक्षा से पहले गोरखपुर में गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी 5 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिलने के बाद की गई है। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की आशंका के चलते एसटीएफ ने श्रीवास्तवी जिले में तैनात महिला कांस्टेबल समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। कांस्टेबल के मोबाइल में 5 प्रवेश पत्र मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि इस घटना पर अभी तक किसी भी आधिकारिक या एसटीएफ की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल बांसगांव कस्बे की रहने वाली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरखपुर के बांसगांव इलाके में पुलिस ने पिंकी सोनकर और देव प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही परीक्षा के मद्देनजर गोरखपुर में यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। गोरखपुर पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सूचना दी कि भारी वाहनों के लिए दोपहर 12 बजे से 14 बजे तक खुलने वाली नो एंट्री 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को बंद रहेगी। इसके अलावा रोडवेज तिराहा से पुलिस लाइन तिराहा की तरफ आने वाली रोडवेज की बसों को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही रोडवेज बस डिपो से वाराणसी और लखनऊ की ओर से जाने वाली बसें विश्वविद्यालय चौराहा, मोहतीपुर चौराहा, पैडलेगंज और टीपी नगर चौराहा होकर गंतव्य की ओर जाएगी। अग्रसेन तिराहे से चुबली तिराहा और बख्शीपुर चौराहा की ओर से ईशा रिक्शा और ऑटो को भी प्रतिबंधित किया गया है। ये वाहन अग्रसेन तिराहा से टाउन हॉल कचहरी चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। अंबेडकर चौराहा से तमकुही तिराहा की तरफ जाने वाली ई रिक्शा और ऑटो को आवश्यकता अनुसार अंबेडकर चौराहा से सात छात्र संघ भवन की ओर डाइवर्ट किया गया है, जिसके परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।